गुरु रामदास जी ने अपना समय अमृतसर में पवित्र सरोवर के निर्माण की देखरेख और गोइंदवाल में गुरु अमरदास जी के काम की देखभाल के बीच बांटा, जहां वे पहले की तरह ही समर्पण के साथ सिख समुदाय की सेवा करते रहे। गुरु का विनम्रता, धैर्य और सरलता का संदेश दूर दूर तक फैल गया था। यहां तक कि वे लोग भी जिन्होंने शुरू में गुरु अमरदास की पसंद को मंजूरी नहीं दी थी, गुरु रामदास की विनम्रता से उनका दिल जीत लिया गया। यहां तक कि गुरु नानक के सबसे बड़े पुत्र बाबा श्री चंद ने भी गुरु रामदास जी के बारे में सुना था। जब उनके पिता ने उन्हें गुरु नियुक्त नहीं किया तो वे विरोध स्वरूप उदासी या वैरागी बन गए थे। तब से वह गुस्से में सिख समुदाय से बाहर हो गए थे और अपने पिता के बाद किसी भी गुरु को देखने या मिलने से इनकार कर दिया था। बाबा श्री चंद ने गुरु रामदास जी और उनके विनम्र स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सुना था, और जब उन्होंने देखा कि लोग उनके प्रति कितने समर्पित थे तो उन्होंने जिज्ञासावश गुरु से मिलने का फैसला किया। उस समय उनकी उम्र लगभग 90 वर्ष थी। ईश्वर की आराधना के कारण वह अब भी बहुत सक्रिय और स्वस्थ थे। उन्होंने भगवा रंग की पोशाक पहन रखी थी, लेकिन योगियों और वैरागियों से उनका कोई लगाव नहीं था। जब गुरु रामदास ने बाबा श्रीचंद के आगमन के बारे में सुना तो वे उठे और रास्ते में बाबा जी को लेने के लिए स्वयं चले गए। जब बाबा श्रीचंद ने पहली बार गुरु रामदास पर नजर डाली तो वे गुरु और उनके पिता के बीच गहरी समानता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। गुरु रामदास ने उनका हार्दिक स्वागत किया और उन्हें अपने घर आमंत्रित किया, जिसे बाबा श्रीचंद ने स्वीकार कर लिया। जब गुरु रामदास जी और बाबा श्रीचंद जी बैठकर बात कर रहे थे तो बाबा श्रीचंद जी ने गुरु रामदास जी की लंबी दाढ़ी की ओर इशारा किया और पूछा कि उनकी लंबी लहराती दाढ़ी क्यों है। गुरु जी ने पूरी विनम्रता से उत्तर दिया कि उनकी लंबी दाढ़ी बाबा श्रीचंद जी जैसे पवित्र लोगों के पैर पहुंचने के लिए है। ये सुनकर बाबा श्रीचंद जी शर्मिंदा नहीं हुए, बल्कि उन्हें गुरु जी की महानता का एहसास हुआ। जब गुरु जी वास्तव में अपनी दाढ़ी से बाबा जी के पैर पहुंचने के लिए नीचे उतरे तो वह उठे और गुरु जी को गले लगा लिया। फिर उन्होंने गुरु रामदास जी से कहा कि उन्हें अब अपने पिता की पसंद की बुद्धिमत्ता का एहसास हुआ है और स्वीकार किया कि विनम्रता और भक्ति ने उन्हें एहसास कराया है कि उनके पिता ने उन्हें क्यों नजरअंदाज किया था। बाबा श्रीचंद जी ने कहा, यह विनम्रता और शिष्टता ही है जिसने आपको गुरु पद के योग्य बनाया है। मैंने आपकी परोपकारिता, उदारता और नम्रता के बारे में सुना है, लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपकी समर्पित सेवा से आपने जो हासिल किया है वह हासिल नहीं हुआ है। गुरुत्व ने लोगों का दिल भी जीत लिया। आपकी प्रशंसा को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। अमृतसर शहर को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, जिसे आपने बड़ी कठिनाई से बनाया है। उस दिन बाबा श्रीचंद जी ने अपने पिता के प्रति अपनी सारी शिकायतें दूर कर ली और गुरु की कृपा से एक बेहतर सिख बन गए। जब बाबा श्रीचंद जी ने छुट्टी मांगी तो गुरु रामदास जी ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ विदा किया। गुरु रामदास जी ने प्रस्थान के समय 500 रुपये और एक अरबी घोड़ा भेंट किया। गुरु रामदास जी सिक्खी की पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सावधान थे। उन्होंने अपने विचार बदले बिना उदासियों या योगियों को सिख धर्म में शामिल होने या अपने सिखों को उदासियों या योगियों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। फिर भी उदासी स्वयं को सिख धर्म का हिस्सा मानते थे। वे भगवान, गुरुओं और उनके दर्शन के बारे में सिखों के समान ही विचार रखते थे।